दोस्तों आज हम आपको आमों की राजधानी मलिहाबाद में लेके चलने वाले हैं, जो यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं ये मलिहाबाद, ये 28 किलोमीटर दूर यहाँ से है, यानी लखनऊ से। वहाँ हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे आम के पेड़ के बारे में जहाँ एक ही पेड़ पर 300 किस्म के आम पाए जाते हैं। तो आइए हमारे साथ और चलिए मलिहाबाद। हम लोग मलिहाबाद के रास्ते में हैं, जा रहे हैं। अभी इससे पहले बारिश हो रही थी लेकिन अब बारिश कम हो गई। फुरकान भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं, हमारे साथ हमारे डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हैं, बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए, आप भी मलिहाबाद जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं क्या? हम पहली बार जा रहे हैं, इसे सुना ना बहुत बार है लेकिन जा तो पहली बार रहे हैं अभी। चलिए तो ये हम लोग हैं रास्ते में हैं, गाड़ी चल रही है, फुरकान भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग पहली मरतबा मलिहाबाद का सैर करने जा रहे हैं। हालांकि मैं तो गया हूँ कई बार मलिहाबाद, लेकिन इन लोगों के लिए पहली बार है ये। बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है मलिहाबाद, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है, हाजी कलीमुल्ला साहब जो पद्मश्री हैं उनको मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक ऐसा पेड़ लगाया है और उसी एक आम के पेड़ पर 300 किस्म के आमों को वहाँ पर ग्राफ्टिंग के ज़रिए से पैदा करने की कोशिश की है। अपने आप में ये अद्भुत चीज़ है और हम वहाँ जा करके देखेंगे। आइए चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम मलिहाबाद के उस पेड़ पर आ चुके हैं जिसका हमने कहा था लखनऊ में, और ये हमारे साथ जनाब हाजी कलीमुल्ला साहब मौजूद हैं, ये जो पेड़ के मालिक हैं। और यही वो पेड़ है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये देखिए कितना मोटा पेड़ है। हाजी साहब ये कितना पुराना पेड़ है? ये 100 साल से ऊपर है, 100 साल इसी पेड़ पर। सन 1987 से हमने इस काम को शुरू किया, क्योंकि जो पेड़ हमने शुरू किया था वो तो सूख गया था बचपन में, 1960 में ही सूख गया था। उसके बाद वो दिमाग में पेड़ हमारे बढ़ता रहा, पैसे थे नहीं, नई जगह ऊसर में गए, बड़ी परेशानियाँ साथ में उठाई हमने, चलते हम लोग देखते भी रहते हैं, बहुत परेशानियाँ हमने उठाई। लेकिन सन 1987 से हमारे एक अजीज भोपाल में है, वो अब चले गए, वो हमको ये पेड़ ये बाग अपना दे गए थे, और पैसे भी ना होने के बाद कर्ज दिया था जो हमने धीरे धीरे दिए ले लिए। तो ये वाला जो आम है जी, इसका क्या नाम है? ये आमीन मोहम्मद नगर है। अच्छा जी हाँ, ये आमीन मोहम्मद नगर है। हाँ, अब मैं सही मानों में हमें खुद नाम नहीं याद रहते हैं, अब हम जाते हैं भूल, अब हमारी उम्र जो है वो आइए आइए वो नहीं रही। चलिए बात करते करते चलते हैं। आइए ये देखिए अपने आप में पूरा काम यहाँ पर अभी था, ये कोई तोड़ ले गया, ये अभी टूट गया। अच्छा अच्छा, ये दूसरा था। हाँ अभी आज ही टूट गया, वो एक रह गया बड़ा, दूसरी कैटेगरी का एक दूसरा वो अलग है। अच्छा अच्छा वो अलग है। एक मिनट आइए आइए, इधर इधर दिखाइए, देखो बेटे वो अलग है, ये देखो ये देखिए, ये तो अच्छा खासा बड़ा सा है। अरे ये बहुत बड़ा होता है। क्या नाम, इसका नाम क्या है? ये है आमिल लांबा। अच्छा, और ये हाजी साहब ये इस आम का क्या नाम है? ये वही अभी जो आपको ने बताया। अच्छा अच्छा, साइज में फर्क होता है? सब साइज में, सूरत शक्ल में, सब चीज में फर्क होता है। अच्छा, आम जो है ये इंसानों की 100% सिफत रखता है। ये एक ऐसा दुनिया में फल है जो इंसानों की सिफत रखता है। अब ये देखिए ये एक आम अलग है, ये देखिए दो आम। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दिखाइए ये कौन सा आम है? ये देखिए ये तो बड़ा, ये कौन सा आम है, इसका क्या नाम है? मुझे नाम खुद भी मैं भूल गया, आमिन कुदा है शायद ये। ओ बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट नाम है, लेकिन आम बड़ा खूबसूरत से लग रहा है। हाँ, मतलब मुझे लगता है बहुत ही लजीज और जायका होगा, जायकेदार होगा, बहुत खूबसूरत आम है ये, और खाने में बड़ा लजीज आम है ये। आपसे बात करते हुए चलते हैं उन्नाव जिले में। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम पीजीए लखनऊ से। अच्छा अच्छा, ये क्या करने आए हैं? बॉन चार हुआ था ये, मतलब ये डॉक्टर है पीजीए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमलेश रंगारी। डॉक्टर कमलेश जी किस डिपार्टमेंट में? हम न्यूरो सर्जरी में। अच्छा, न्यूरो सर्जरी में। राजकुमार साहब वो HOD, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो कुल मिला करके आप ये देखने के लिए आए हैं इस एरिया को? हाँ, हम एक बार पहले भी आ चुके थे, बहुत वक्त निकाल के, सर का बहुत नाम सुने थे इनका, और इन्होंने जो करामत की है मैंगोज के साथ वो तो यानी सर को मैंगो मैन कहा जाता है। और हम पहली मरतबा जब यहाँ आए, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सर से हमारी मुलाकात हुई। सर आ जाइए, आइए देखते हैं, और थोड़ा सा इधर आकर के देख लेते हैं। ये तो छोटा छोटा, ये देखिए ये देखिए इसी पेड़ पर असली पेड़, यही इसी पेड़ पर ही हमने सर तमाम ग्राफ्टिंग जो की है जी, वो नस्ल यही है। इस आम का नाम है असल मुकर्रर।
अच्छा असल मुकर्रर, हाँ मतलब जैसे मुशायरों में राज कहता है मुकर्रर इरशाद, तो ये वो है, ये दिल की बनावट का भी है। तुम ये जो काले हो गए वो जो ऊपर लगे हैं, दोबारा बताइए। असल मुकर्रर, हाँ असल मुकर्रर जिस तरह मुशायरों में कहते हैं, हाँ मुकर्रर इरशाद फिर कहो शेर, मतलब ये इतना और ये वो इतना ही अच्छा, खाने में भी उतना ही अच्छा। देखो ये यहाँ पर ये साफ है आम, ये वाला ये देखो ये कुछ ज्यादा साफ दिखाई दे, इसका ले लो ये देखो, ये असल मुकर्रर है, ये असल मुकर्रर है, ये दिल की शक्ल में, हाँ दिल। ये इसराइल की सन 87-88 में आई थी कोई इसराइल से औरत, तो उन्हीं ने सीने पर हाथ रख के कहा कि ये दिल की बनावट का है। तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये हम चलते चलते इस तरह आइए अब अंदर। अब की अफसोस ये है कि फला कम है बहुत। ये आम देखिए, ये आम गुदर शाह बाबा का है, ये उन्नाव ज़िले में एक फ़कीर थे जो गुदर शाह में बने रहते थे, उन्हीं ने खा के कुछ फेंका था, तो ये वहाँ इतना मज़े का हो गया तो उन्हीं ने इस आम का नाम उन्हीं के नाम से गुदर शाह रख दिया, क्योंकि वो छुपे हुए थे, फकीर थे और गुदली गुदला में बने रहते थे, तो इसलिए ये और काफ़ी खाने में बहुत लजीज आम है। ये देखिए ये अलग है, देखो बेटा ये अलग है, दिखाइए, हाँ ये दिखाइए, ये अलग है, ये क्या है इसका ये नाम, इसका नाम अब याद आएगा तो बताएंगे। अरे अब हमारी तो याददाश्त इतनी ख़राब हो गई है, बहुत खाने में बहुत अच्छा बड़ा खुशबूदार आम है ये। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है कि एक ही पेड़ में ग्राफ्टिंग के माध्यम से ऑलमोस्ट 300 से ज़ायद, 300 से अधिक, सही मानों में ये एक पेड़ है। और जब ये फला हो तो आप देखेंगे 100 किस्म का आम लगा तो आप सोचेंगे ये क्या है, पेड़ ही नहीं है बाग है। और अगर आप इसको अक्ल से दिमाग की आंखों से देखेंगे, दिमाग से सोचेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि ये दुनिया का आमों का कालिज है। एक पेड़ पर 10,000 भी आम की वैरायटियां जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े पेड़ हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार शाखें हैं, इसी पेड़ में 10,000 शाख होगी, तो हर शाख में एक एक पेड़ जोड़ा जा सकता है। देखो वो शाख जुड़ी हुई है, देखिए ये दिखा दीजिए, ये देखिए ये ग्राफ्टिंग है, ये देखिए सामने है आपके, ये जुड़ा हुआ, क्लोज करके दिखाइए, ये देखिए ये बीच में ये इसका किनारा है, ये अलग वैरायटी है, ये इसके अंदर चीरा लगा कर रख दी गई, इसको टेप कर दिया गया होगा, इसको टेप कर दिया, लेकिन इसका थोड़ा सा कारनामा ये है कि इसे काटने में ये होना चाहिए कि ये इतना साफ कटे कि इसमें तिरछापन न हो, तो हवा न जा सके, और तो बिल्कुल सही बैठ जाता, आसानी जुड़ जाता है। इस बाग को देखने के लिए हम लोग बहुत दूर से आ गए, हमारे साथ ये कुछ लोग भी दिख रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो यहीं लखनऊ से। अच्छा, ये ग्वालियर से। ये भाई साहब ग्वालियर से। ग्वालियर से ये क्या देखने आए हैं यहाँ पर? ये तो आम है, सीधे पेड़ को देखने। एक तो चाचा जी ऑलरेडी पद्मश्री अवार्डेड है, तो सबसे बड़ी तो खुशकिस्मत यही होती है कि ऐसे व्यक्ति से आपसे मिलने का मौका मिलता है। और मुलाकात की आपने? हाँ, एक अभी चाचा जी से मुलाकात हुई, आपके साथ व्यस्त थे तो अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। फोटो भी खिंचा लीजिए। मुझे भी। अच्छा, मुझे साहब कहाँ से आए हैं आप? जी हम भतीजे। अच्छा, यानी लखनऊ से दोनों लोग आए। जी जी। अच्छा मैम, आपका? हम लोग भी ग्वालियर से आए हैं। आपकी वाइफ? तो कैसा लगा यहाँ आकर के? पहली बार तो आए हैं क्या? हाँ, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो ये बेसिकली ये कह सकते हैं आमों का कॉलेज कह रहे हैं सर? हाँ, ये आमों का कॉलेज है, खजाना है एक तरह से आमों का, हर वैरायटी मिलेगी यहाँ। सर से एक आम जरूर इतिहास के कह सकते हैं यादगार के तौर पर सर से ले लीजिएगा एक आम। हाँ बिल्कुल। चलिए खैर, ये अलग आम है, राम केला है, एक इसको दिखाइए, ये देखिए एकदम गोल सा, ये राम केला है। अचार, अचार के लिए ये बहुत ही कामयाब आम है, एक साल अगर बना लिया जाए तो 10 साल तक भी आप रख सकते हैं। बहुत ठोस है ये तो क्रिकेट के बॉल के तरीके से है, बहुत गोल। हाँ, गोल, बहुत सा गोल है। ओ, इसका तो जरूर बनाइए, कीड़ों ने खराब कर दिया ये। इसका नाम बताइए सर। ये अब नाम मैं भूल ना, लड़के से पूछ लेना, बता देगा। कोई बात नहीं, इसको ले लीजिए, ये नया एक कह सकते हैं कि उसी पेड़ में एक नया ग्राफ्टिंग किया गया। और ये पूरा सुर्ख हो जाता है। इसकी ग्राफ्टिंग देखिए, आप अगर देख सकें तो ये शायद इसकी ग्राफ्टिंग है, यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग यहाँ की गई है, ये देखिए वहाँ पर की गई है इसकी ग्राफ्टिंग, और उसके बाद से एक नए किस्म का एक पेड़ बन गया। आइए, यानी उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है उस पेड़ को। वो बरेली से आए थे हमसे देखने और मिलने, तो उनका पैर फिसल गया था, तो वो बच गिरे नहीं थे लेकिन बच गए, तो जहन इस तरह आया कि ये जिम्मेदारी हमारी है, हम ये पेड़ आने वाले लोग जो हैं वो ये ऐतिहासिक है सर, इसको देखेंगे लोग। हाँ, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ लोग जो सबसे ज़्यादा अमरीका के लोग आए हैं, जापान, जर्मन, फ्रांस के लोग 3.5 घंटे मूवी बना के ले गए। अच्छा, 3 दिन यहाँ रुके। आइए 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 आइए।
अरब मुल्क से बहुत आए, आने वालों में अमेरिका के सबसे ज्यादा। अभी ये अलग अलग, ये देखिए एक आम, ये भी एक दिख रहा है, अलग है वो भी है, ये भी अलग 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 है सब, ये सब अलग, ये भी एक अलग आम दिख रहा है। तो आप ये देखिए, एक पेड़ है कहने को, लेकिन एक पेड़ नहीं बल्कि जैसा कि सर ने बताया, ये पेड़ों का एक कॉलेज है, कह सकते हैं आम का कॉलेज है ये। ये देखिए आप, हम बात ही कर रहे हैं कलीमुल्ला साहब से, और लोगों के मिलने का भी सिलसिला है। ये भी अद्भुत बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो मलिया लखनऊ से की चकाचौंध से थोड़ी सी दूर, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ भी लोग ढूंढ ढांट करके, खोज खाज करके चले ही आते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आम के ही माध्यम से आते हैं, बल्कि ये अपने आप में सर का एक नाम है, क्योंकि पद्मश्री हैं, 2008 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त की जो तत्काल प्रेसिडेंट थी, उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, उन्होंने सर को सम्मानित किया था पद्मश्री से। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, हमने देखा कि ग्वालियर से कोई कुछ लोग आए हैं, कोई लखनऊ से आए हैं, कोई और कहीं से आए हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं हमारे कलीमुल्ला साहब एक चलती फिरती सेलिब्रिटी हैं। जब हमने विकीपीडिया पर इनको सर्च किया, तो विकीपीडिया पर भी हमने देखा कि 7th पास आउट नहीं है उसके, पास आउट आई थी 7वीं पास है, 7वीं तक पढ़े, हाँ 7वीं फेल है वो। जब हमने विकिपीडिया पे सर्च किया तो हाजी कलीमुल्ला साहब 7वीं पास आउट नहीं है, ड्रॉप आउट है। उसके बावजूद भी अपने आम में एक ऐसा व्यक्ति जो हाई स्कूल भी नहीं क्रॉस किया है, उसके बावजूद भी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इच्छुक हैं। तो इससे पता ये चलता है कि आपके जो हुनर है, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो सलाहियत है, वो कहीं सर्टिफिकेट और डिग्रियों के बीच नहीं रहती है, डिग्रियों के को सराउंड को क्रॉस कर जाती है, और उसके जीते जागते हमारे मिसाल हैं जनाब हाजी कलीमुल्ला साहब। आइए और हम लोग देखते हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम लोग लखनऊ से आई हैं। आप लखनऊ से आई हैं, क्या नाम है? कृतिका। कृतिका जी, आपने हाजी साहब का नाम सुना था पहले? नहीं, आज पहली बार सुना। कैसा लग रहा है लाइव देख रहे हैं? बहुत अच्छा। हमने भी जब सर का टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देखा और अखबारों में देखा, और जब भी आप अगर गूगल पर सर्च करिए, तो मतलब एक कह सकते हैं एक सिलसिला, दर्जनों कॉलम्स आ जाते हैं, हाजी कलीमुल्ला, मैंगो मैन, ना जाने सो एंड सो। तो आज पहली बार मैंने भी इनसे मुलाकात की, कई बार मैं मलिहाबाद आया हूँ, लेकिन पहली बार इनसे मुलाकात हुई और बड़ी खुशी मुझे देख करके हुई। तो कैसा लग रहा है, ये लाइव हैं कि मतलब वही हैं या? बहुत इंस्पायरिंग फिगर है, मतलब ही सो इंस्पायरिंग दैट यू डोंट नीड अ डिग्री टू अकम्प्लिश समथिंग इन लाइफ। मतलब आपको कुछ भी ज़िंदगी में अगर अच्छा करना है तो आपके पास बस एक मकसद होना चाहिए और डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ अर्लियर आई टोल्ड यू। सो मैम आप बताइए कहाँ से तशरीफ लाई? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, अभी लखनऊ, क्या नाम है? रीना से। रीना जी क्या करती हैं लखनऊ में? जावेद हबीब अकेडमी चलाते हैं। अच्छा अच्छा, हार्बर बार। जावेद हबीब साहब यानी स्कूल चलाते, स्कूल चलाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों बता दूं कि देखिए, काम चाहे कितना भी छोटा हो, अगर उसको बड़े पैमाने पर कर दिया जाए तो वो बहुत ही रोमांचक हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि कोई अगर नाच रहा है छोटे पैमाने पर तो उसको नचनिया कहते हैं, लेकिन अगर वही बड़े पैमाने पर हो जाता है तो वही सलमान खान, शाहरुख खान हो जाता है। इसी तरीके से क्या बात है, अबे बहुत सही कह रहे हो भाई, सही कह। इसी तरीके से अगर छोटे पैमाने पर कोई बाल बनाता है तो उसको नाई या हज्जाम कहते हैं, और बड़े पैमाने पर वही काम करने लगता है तो उसको जावेद हबीब कहते हैं। यानी आप सोचिए कि छोटे और बड़े पैमाने पर कितना फर्क होता है। तो मैम महसूस हो कि इनके बाग बहुत अच्छी है, तो पद्मश्री मिला तो वही देख लिया। ओके, आप कभी इनके घर भी जाइए सर के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर के घर अगर आप जाएंगे तो मेहमान नवाजी के साथ साथ आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ओके बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि घर। चलिए और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर एक तरीके से छोटी मोटी एक गैदरिंग हो गई है। आपका नाम क्या है? कार्तिक। हाजी कलीमुल्ला साहब जाहिर है कोई एक्टर नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई सिंगर नहीं है, क्रिएटर है, हम क्रिएट करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम क्रिकेटर्स के फैन हो जाते हैं। हाजी कलीमुल्ला साहब के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? क्या कहना है, अभी इतने अच्छे अच्छे आम बना रहे, इतने अलग अलग वैरायटी के आम यहाँ पे मिलते हैं नहीं कहीं, इन्होंने एक ही पेड़ में कितने कितने तरीके के आम बना दिए, एक नए और इनोवेटिव आइडियाज ला रहे नए नए इंसानों के बाद। ये और इंसानों की 100% ये सिफत रखता है, दो से मिलकर एक इंसान नया बना। आज इंसान दो एक पूरी दुनिया में नहीं है, इसी तरह से कुदरत ने इस फल में ये सिफत दी है कि पेड़ आपका 5000 आम है, उसमें आम तो वही है, सूरज शक्ल मज़ा एक है, और 5000 जो बच्चे हैं उसके अंदर, इसको गुठली हम आप कहते हैं, वो बच्चे हैं, उनको आप अगर ज़मीन में बो देंगे तो सब 5000 पेड़ निकल आएंगे, और 5000 आम और सूरज शक्ल खुशबू मज़ा सबका अलग होगा ये। और मगर अफसोस ये है कि आप हमारे डॉक्टर खड़े हैं PGI के, ये लोग सब सो रहे हैं, आप यकीन कीजिए पूरी दुनिया सो रही है,
कोई सोच ही नहीं रही कि आम क्या चीज़ है, आम को फलों को राजा करके छोड़ दिया। अरे आमों में कैंसर और उसका इलाज है, ढूंढो तो। हाजी साहब की तालीम ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कौम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो कहा यह जाता है कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज़्यादा यानी खराबियाँ पैदा करता है, चाहे वो बम बनाने की शक्ल में हो, चाहे वो घोटाले करने की शक्ल में हो। लेकिन अगर एक किसान है, एक छोटा सा ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला किसान, अगर वो किसी के साथ धोखा नहीं करता है और लोगों की खिदमत करता है, यानी कौम की भलाई के लिए काम करता है, तो उस डिग्री रखने वाले इंजीनियर से लाख गुना बेहतर है जो तखरीबकारी करता है और लोगों को एक तरीके से फसाद फैलाने का जड़ बना हुआ है। तो उसी की एक बेहतरीन मिसाल है हमारे हाजी कलीमुल्ला साहब। ये गर्चे पढ़े लिखे तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कौम की खिदमत की, कौम के लिए इन्होंने जो काम किया और काम कर रहे हैं, ये वाकई में उन तमाम लोगों से बेहतर हैं जो डिग्रियां रखने के बावजूद भी गलत काम करते हैं और वो एक कह सकते हैं अपनी एजुकेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, नाजायज इस्तेमाल करते हैं। आम में यही नहीं है, अगर कुदरती कोई नामर्द नहीं है तो भेज दीजिए हमारे पास, हम दवा देंगे, दोनों वापस ताकत आ जाएगी। ब्रीडिंग बेसिकली यही आराम के साथ में, आम में ये भी है सिफत। और आम में आप लोग शुगर से डरते हैं कि आम हमारा सीजनल होता है जी, आपके पास ऐसी भी कोई वैरायटी है जो कि हर सीजन में तीन दफा फलता है, एक ऐसा है, ऐसा है। हाँ, इतना बड़ा लगा भी है उसमें, एक आम ऐसा तीन दफा। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो यही वो पेड़ है जो हाजी कलीमुल्ला साहब के कहने के मुताबिक ये लगभग 100 साल पुराना पेड़ है, और इसी पेड़ पर लगभग 300 से ज़ायद ग्राफ्टिंग की गई है। और ग्राफ्टिंग के जो हीरो जनाब हाजी कलीमुल्ला साहब ने, आप, मैंने आपको ग्राफ्टिंग दिखाया, देखिए कि ग्राफ्टिंग के ज़रिए से इसी एक पेड़ पर 300 से अधिक पेड़ उन्होंने तैयार कर दिए, और उनके मुताबिक सबका वराइटीज़ यानी 300 से अधिक वराइटीज़ इसी एक पेड़ पर मौजूद हैं। ये अपने आप में सुनने में ही अद्भुत लगता है। और हाजी कलीमुल्ला साहब का ये कहना है कि सबका जायका अलग है, लज्जत अलग है, छिलके अलग हैं, रंग रूप अलग है, शक्ल सूरत अलग है, और उसकी बनावट अलग है, यानी सब कुछ अलग अलग है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। और 1958 में सबसे पहली मरतबा 7 पेड़ लगाए थे, यानी 7 ग्राफ्टिंग की थी। उसके बाद 1987 में उन्होंने इसकी शुरुआत की बाजाबता तौर पर, और 1991 और 92 में इन्होंने कुछ 35 या 35 लगभग उन्होंने ग्राफ्टिंग की, और उसके बाद आज तक ये लगातार करते जा रहे हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब कलम होता है, अगर आप ये देखना चाहें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बेसिकली अगर आपको यहाँ पर एक कोई कलम लगाना हो तो यहाँ पर इसको चीरा मारिए और एक नए पौधे को यहाँ पर लगा करके टेप कर दीजिए, बस एयर प्रूफ हो, ये याद रखिए, एयर प्रूफ हो, यानी उसमें हवा का पासिंग ना हो। उसके बाद में ये बन करके तैयार हो गया, और जब एक बार बन करके तैयार हो गया तो अब इस डाली से जो आम निकलेगा वो कुछ और होगा, और इससे जो निकलेगा वो कोई दूसरा होगा, यानी एक तरीके से इसकी प्रजाति बदल गई। तो ये होता है ग्राफ्टिंग, इसको कहते हैं कलम करना। ये डॉक्टर आम आपने बताया सर जी, ये वाला है, ये नहीं आगे है, एक सचिन है और ऐश्वर्या है, मोदी साहब जी। जी बिल्कुल, मैं वो सब आम देखना चाह रहा था। ये आपने जो मोदी साहब के नाम से, अमित शाह जी के नाम से, मुलायम सिंह के नाम से, अखिलेश यादव के नाम से, ऐश्वर्या के नाम से, और इस तरीके से सचिन तेंदुलकर के नाम से ये जो आम आपने बनाए हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाइए और हम एक एक चीज़ को देखना चाहेंगे। और ये आपने जो खास तौर से डॉक्टर की बात कही, ये हमें डॉक्टरों से भी पूछेंगे कि आखिर इसमें आपको किस एंगल से, उन्होंने एज ए ट्रिब्यूट करके रखा है कि आज नहीं तो कल इंसान तो चला जाएगा, लेकिन ये फल ऐसी चीज है ये हमेशा रहेगा, याद रखा जाएगा, जैसे सचिन के नाम से रखा गया, ऐश्वर्या नाम के नाम से रखा गया। आज नहीं तो कल इंसान है खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनका नाम जो है वो आम के जरिए नहीं कि हमेशा रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक रहेगा, वो उनका मकसद था। वो हम जरूर आम भी देखते हैं, डॉक्टर आम और सारे आम देखेंगे। ये देखिए हाजी कलीमुल्ला साहब का ये आम है, ये आप देखिए, इसको कहते हैं सचिन आम। ये लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 किलो का आम होता है, इसका वजन होता है। तो आप ये देखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा है वाकई में, अपने आप में अगर कोई एक खा ले तो उसका पेट भर जाए। ये पूरा इस पेड़ को डेडिकेट कर दिया गया है सचिन के नाम से। ये सब ऐतिहासिक लोग हैं, उनका मकसद ये है कि सचिन, जाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ वो दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी यादें रहेंगी और उनके नाम से पेड़ लगा दिया गया है। तो एक तरीके से ये बहुत ही शानदार कारनामा है हाजी कलीमुल्ला साहब का। आइए देखते हैं ऐश्वर्या। आम देखेंगे, खाएंगे तो आप सोचेंगे ये वो ऐश्वर्या है जो भारत की सबसे खूबसूरत दुनिया में जिसका नाम बना था। ये पिंक पिंक लग रहा है कहीं, अरे ये बहुत लाल होता है, इसके कलर की वजह से तो नहीं आपने उसका नाम ऐश्वर्या? नहीं नहीं, इसकी है खूबसूरती बहुत है। तो सलमान खान का भी नाम होना चाहिए, सलमान खान इतने खूबसूरत नहीं है। देखो ऐश्वर्या आपने बोला, ऐश्वर्या की वजह है खूबसूरती की, उसकी हमें
फिल्मी लाइन से मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा, ये समझिए हमारे घर के सामने महल में शूटिंग हुई एक महीना। हाँ, हम कभी गए नहीं, हमें लाइन से ये हमें शौक नहीं इससे। एक अभिषेक बच्चन के नाम से भी ये कर दे। हाँ, बच्चन साहब के नाम से है। बच्चन साहब की बोलचाल जो है वो बहुत प्यारी है, तो दिल ये चाहता है ये बोलचाल जो है ये हम लोग सब सीखें, सब इसलिए हम प्यार से बोले। ये डॉक्टर आम है, चलो इसके पास। इसी आम का नाम रखा है हमने डॉक्टर। ये देखिए, ये डॉक्टर आम है। आप ये देखिए कितना बड़ा बड़ा आम है। यहाँ से पकड़ मतलब, यहाँ से। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे पकड़ा जाएगा। ये देखिए, थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। ये देखिए, एक इस बहुत ही फाइन क्वालिटी है। और अगर आप ये देखें, ये देखिए कितना शानदार। अभी हमने खाया नहीं है। देखिए ग्राफ्टिंग लगातार जारी है। अगर मैं कहूँ दिखा सकूँ तो ये देखिए ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए लगातार ग्राफ्टिंग जारी है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक बार ग्राफ्टिंग हो गई तो हो गई। ये देखिए लगातार ग्राफ्टिंग हो रही है। और ये ग्राफ्टिंग का, जैसा मैंने बताया कि एक अलग सी एक कली होती है, उसको दूसरे के साथ जोड़ करके टेप कर दिया जाता है, एयर पासिंग बंद कर दी जाती है, और उसके बाद में ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप चारों तरफ देख लीजिए तो एक आम के पेड़ों का एक तरीके से पूरा सिलसिला है, लंबा छोटे बड़े ग्राफ्टिंग के साथ। और फुल फ्लेश्ड में हर तरह के आम के पेड़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, अमरूद के मिल जाएंगे, नाशपाती के मिल जाएंगे, यानी कई तरह की चीज़ें हैं। ये हाजी कलीमुल्ला साहब अपने आप में एक समंदर हैं, और कह सकते हैं कि वो बहुत ही अलग अलग तरीके से आम की खिदमत कर रहे हैं। दोनों तरफ आप दिखाइए, मैं कैमरा मैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ ही देखिए, पूरा चारों तरफ आम के पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। हम इस वक्त आमों की राजधानी मलिहाबाद के एक उस हिस्से पर मौजूद हैं जहाँ चारों तरफ आपको आम के बागीचे दिखेंगे, आम ही आम लगा दिखेगा, चाहे वो अलग अलग तरीके के आम हों जो हाजी करीमुल्ला साहब ने लगाए हैं, डॉक्टर आम, ऐश्वर्या आम, और इसी तरह से सचिन, मुलायम, अखिलेश, कई तरह के आम आपको दिख जाएंगे। हाजी साहब, ये किसका पेड़ है आप बता रहे थे, मोदी साहब का? ये इसका हमारा बनाने का एक बड़ा, हमने जब ये टीवी पे सुना कि राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले, प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले उन्होंने दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने, हमारा मुल्क अब बहुत तरक्की करेगा, हम सबके ऊपर चले जाएंगे, और है हम में ये क्षमता, भारत में ये क्षमता है। अब जो कुछ है वो सब। इस पेड़ में हमको तो एक भी आम नज़र नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, ये तो नरेंद्र मोदी के नाम से ये पेड़ डिबूट कर दिया गया है, उसमें एक का दुकान, एक तरीके से बांझ पेड़ कह सकते हैं इसको। तो ये अखिलेश यादव का पेड़ है, मैं कहूँगा दिखाइए, उसके मिले में है ये देखिए, उसके मिला हुआ, ये जो पीला वाला आम देख रहे हैं उसके बगल का जो पेड़ है ये अखिलेश यादव के नाम से रखा गया है। बड़ा खूबसूरत आम है, बहुत ही खाने में मजे का, उनको खिलाया भी, अखिलेश को खिला चुके हैं। अच्छा अच्छा, अखिलेश यादव आए थे यहाँ? हाँ, यहाँ वो देखो फोटो, ये मगर फोटो ये यहाँ का नहीं है। ये फोटो ये जब आप मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं बगल में योगी आदित्यनाथ जी भी दिख रहे हैं। हाँ, वो भी साथ में, वो आए। अच्छा, ये इनका फोटो नुमाइश में लिया था। अच्छा अच्छा, इनको आने का ही वादा किया था, तो जिनके लिए बताया उनसे मिले हम। हाँ, मिल ही नहीं पाए, इतने मशहूर थे, तो फिर हम गए नहीं। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दौड़े थे, हम गए नहीं। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत तफसीलात आपने बताई। अब आप कहाँ जाएंगे? अब हम आपको छोड़ दें आपके घर पे। हाँ, छोड़ हम लोग। चलिए चलिए, चलो अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।